हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल सत्तो जर्नी में आपका स्वागत है। तो मैं कैसे वीडियो बनाता हूँ, कैसे शूट करता हूँ, कौन सा डिवाइस यूज करता हूँ शूट करने के लिए, गोप्रो इस्तेमाल करता हूँ, कैमरा इस्तेमाल करता हूँ या फिर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ, तो कोई भी वीडियो बनाना चाहे आज के डेट में, 2-4 साल पहले तो दिक्कत वाली बात थी, लेकिन आज के संदर्भ में बता दूँ काफ़ी आसानी से कोई भी वीडियो बना सकता है। तो मैं आज के डेट में रिसेंटली 1 साल पीछे से जिस डिवाइस का इस्तेमाल करता हूँ वीडियो बनाने के लिए यूट्यूब पर, वो मैं इस्तेमाल करता हूँ मोबाइल फ़ोन। और आजकल इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के मोबाइल फ़ोन आ गए हैं जिसमें आप वीडियो शूट भी कर सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, और साथ ही साथ उसमें आप एडिट भी कर सकते हैं, पब्लिश भी कर सकते हैं। मतलब आपको कोई एक्सटर्नल डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, ना लैपटॉप चाहिए, ना माइक्रोफोन चाहिए, ना किसी और दूसरे चीज़ की ज़रूरत होती है। गोप्रो लेंगे तो काफ़ी महंगा आता है, 40,000 या उसके आसपास। लैपटॉप लेंगे 60-70 हज़ार के आते हैं, लेकिन आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल से आसानी से आज के डेट में वीडियो शूट किया जा सकता है। तो मैं जिस डिवाइस का यूज़ करता हूँ मोबाइल फ़ोन है Redmi 9 Pro। ये मैंने मोबाइल फ़ोन 2 साल पहले लिया था सिर्फ 13,000 रुपये में, तो आजकल 10 से लेकर 15,000 के रेंज में काफ़ी अच्छे मोबाइल फ़ोन आ जाते हैं जिसमें कैमरे का फीचर काफ़ी अच्छा होता है। तो वीडियो शूट करना हो तो कैमरे के फीचर पे उस मोबाइल फ़ोन को ध्यान देकर ही ख़रीदना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इस्तेमाल तो कैमरे का होता है वीडियो शूट करने के लिए। और रैम और रोम जो भी हो, तो मेरे फ़ोन का सिर्फ रैम है 4GB और जो इंटरनल स्टोरेज है सिर्फ 64GB है, लेकिन मैंने इसमें एक्सटर्नल माइक्रोचिप लगाया है 128GB का, तो जिस ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें स्टोर कर सकूं और शूटिंग के बाद मेरा मेमोरी फुल नहीं हो जाए। तो आज के डेट में कोई भी वीडियो बनाना चाहता है यूट्यूब पर, तो उसके पास मोबाइल फ़ोन हो ठीक ठाक, ज़्यादा महंगा भी नहीं हो, आईफोन की बात नहीं कर रहा हूँ, लाखों में आते हैं, सिर्फ आपके पास 10 से 15 हज़ार के बीच में ठीक ठाक मोबाइल फ़ोन हो, उससे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। तो वीडियो आप कैसे शूट कर सकते हैं, यदि उसमें क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कितना खर्चा आएगा, यदि ट्राईपोड लेते हैं उसकी मदद से कर सकते हैं और बिना ट्राईपोड की मदद से भी कर सकते हैं, माइक्रोफोन लें तो कौन सा लें, नहीं लेंगे तो उससे कैसे काम चल जाएगा, और माइक्रोफोन इस्तेमाल करेंगे तो उससे कैसे आपकी आवाज़ की क्वालिटी बेहतर हो पाएगी। तो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाई स्टेप आप लोगों से डिटेल में शेयर करूँगा। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही है और घना जंगल है जिसके कारण यहाँ पर छांव भी है और चिड़ियों के हल्के हल्के चचाहट भी सुनाई दे रही है। तो इस तरह से आप वीडियो शूट कर सकते हैं। मैंने जो हैंड में लिया हुआ है ये ट्राईपॉड है, तो ये सस्ता वाला ट्राईपॉड है, कोई ज़्यादा महंगा वाला नहीं है, 7 से 8 हज़ार 10 हज़ार बहुत महंगे ट्राईपॉड भी आते हैं। ये 250 रुपीज़ का ट्राईपॉड है जिसे मैंने अमेजन से मंगवाया था, तो आप भी अमेजन से मंगवा सकते हैं, और कहीं सस्ता मिले तो 200 में भी मिल सकता है, ये 150 में भी ट्राईपॉड मिल सकता है इस तरह का। तो ये ट्राईपॉड है सिंपल वाला, ये वाला ट्राईपॉड 250 रुपीज़ का। पहले मैं विदाउट माइक्रोफोन के शूट करता था डायरेक्ट मोबाइल से, अभी 4-5 महीना पहले मैंने जब सस्ता आया ये इस तरह का वायरलेस माइक्रोफोन ग्रेनेरो का, तो ये मैंने लिया था 2,500 रुपीज़ का, जिसमें दो रिसीवर मिलते हैं, एक रिसीवर ये है, एक रिसीवर मैं यूज कर रहा हूँ, और ये कनेक्टर रहता है यहाँ पे, ये लगा हुआ, तो इसे क्या है चार्ज करना होता है, तो आप चार्ज कर लेंगे एक बार तो इससे आराम से 4 से 5 घंटे तक ऑडियो ये काम करता है, वीडियो शूट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्राईपॉड लेना है और ट्राईपॉड को फिर मोबाइल में लगा लेना है अच्छी तरह से कि हिले डुले ना और फिर गिर ना जाए, और सामने जो पत्थर दिख रहा है पत्थर के ऊपर थोड़ा ट्राईपॉड को फैलाकर सीधे स्ट्रेट रख देंगे, और जिसमें शूट करना है 1x में 2x में या 0.6x में वो स्टार्ट करके रख देंगे, स्टार्ट हो जाएगा कैमरा। फिर यहाँ से चलते हुए थोड़ा बाहर की तरफ जाएंगे गेट के पास, फिर गेट से वापस चलते हुए अंदर की तरफ
धीरे धीरे आएंगे, और फिर जब ये फ्रेम से बाहर चले जाएं फिर वापस आना है, और वापस आने के बाद यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग है उसको फिर मोबाइल में स्टॉप कर देना है। ये प्रकृति कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल शांत सा माहौल है और बिल्कुल जंगल वाला फील है। विदाउट माइक्रोफोन भी वीडियो शूट करेंगे, अच्छा आवाज़ आता है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन मैं जो अभी शूट कर रहा हूँ, पहले मैंने ये लगाया वहाँ पर रिसीवर लगाए हुआ, माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, इसमें आवाज़ ज़्यादा लाउड आता है, ज़्यादा क्लियर आता है, बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा कम हो जाता है। अब मैं ये विदाउट माइक्रोफोन शूट कर रहा हूँ वीडियो, तो आपको उस माइक्रोफोन की आवाज़ की क्वालिटी और विदाउट माइक्रोफोन के आवाज़ की क्वालिटी समझ आ रहा होगा। लेकिन विदाउट माइक्रोफोन के शूट करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ता है, लाउड बोलना पड़ता है कि वॉइस साफ साफ रिकॉर्ड हो, और माइक्रोफोन लगा रहता है तो आप धीमे भी बोल सकते हैं तो वॉइस तो उसमें रिकॉर्ड हो ही जाता है। और दूसरा फ़ायदा ये है, भीड़ भाड़ वाली जगह पे ज़्यादा नॉइज़ होता है, तो आवाज़ के साथ नॉइज़ भी आती है, तो वो थोड़ा इरीटेट करता है। माइक्रोफोन रहता है लगा हुआ तो इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन का ऑप्शन होता है, जिसमें बैकग्राउंड के जो नॉइज़ होते हैं उस वो कम हो जाता है, आपकी वॉइस निखर के आती है। लेकिन इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैंने काफ़ी दिनों तक ऐसे ही शूट किया, तो विदाउट माइक्रोफोन भी आप शूट करेंगे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। माइक्रोफोन से वॉइस की क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो जाती है, और माइक्रोफोन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो थोड़ी आवाज़ की क्वालिटी कम रहती है, उससे कोई ज़्यादा वीडियो की क्वालिटी पर उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यदि पब्लिक इंटरेस्टेड होंगे आपको वीडियो को देखने में तो उनसे उनको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, आवाज़ ज़्यादा अच्छा आ रहा है, ज़्यादा कम आ रहा है। स्टार्टिंग में जब आपके पास ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा पैसे नहीं है, और बाद में यदि पैसे आप कमा रहे हैं, यूट्यूब से मनी है, इन्वेस्ट करना है, क्वालिटी बढ़ानी है वीडियो की, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा ट्राईपॉड भी खरीद सकते हैं, अच्छा आप माइक्रोफोन भी खरीद सकते हैं, और भी दूसरी चीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियली यदि वीडियो बनाना हो, शूट करना हो, तो मेरे ख्याल से ट्राईपॉड मोर देन सफिशियंट, महंगा ट्राईपॉड लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, 200-250 रुपये में ट्राईपॉड मिलते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ट्राईपॉड नहीं है तो डायरेक्ट इस तरह से मोबाइल पकड़ के भी वीडियो शूट किया जा सकता है, ऐसा नहीं है हैंड में मोबाइल पकड़िए, इस तरफ से कैमरा आपके तरफ होना चाहिए, वीडियो आप बनाइए। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं आज के डेट में गोप्रो इस्तेमाल नहीं करते हैं, डायरेक्ट वो मोबाइल फ़ोन से ही शूट करते हैं, बड़े बड़े जिनका 28 लाख सब्सक्राइबर है, 10-12 लाख सब्सक्राइबर है। एग्जाम्पल मैं बता दूँ, नोमेद सुमम है, उसका मैंने वीडियो देखा है, मतलब मोबाइल से शूट करते हुए। उसके बाद मैंने यात्री डॉक्टर का देखा है डायरेक्ट मोबाइल से शूट करते हुए, तो काफ़ी कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी आराम से आप कैरी कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन हमेशा अपने साथ ही रखते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। मोबाइल की जो बैटरी होती है वो ज़्यादा बैकअप देती है, तो ज़्यादा देर तक आप वीडियो बना सकते हैं, कहीं भी मोबाइल निकाल सकते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। तो बिना ट्राईपॉड के भी आप इस तरह से वीडियो बनाना चाहें तो आराम से आप चलते चलते वीडियो बना सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ कैमरे में ध्यान देना है, जो कैमरा दिखाई दे रहा है बस कैमरा में देखिए और बात करते चलिए। मार्केट में शूट करेंगे तो बहुत सारे लोग आपको घूरेंगे,
तो उनके तरफ ध्यान नहीं देना है, कैमरे में देखिए, बात करिए, आपको जो बताना है वो बताइए, कॉन्सेंट्रेट रखिए। तो कुछ दिनों के बाद आपका हिचकिचाहट, हेजिटेशन है ना, लोगों के प्रति धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन बाद में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ट्राइपॉड में पकड़ी है, हैंड में भी पकड़ सकते हैं, इसके पीछे ऐसे रखना, फिर धीरे धीरे, बहुत स्लोली, धीरे से इस तरह से मूव करिए, तो बहुत अच्छा ये वीडियो रिकॉर्ड होगा। और फिर से स्टॉप कर दीजिए। नीचे ग्राउंड का रिकॉर्ड करना हो तो इस तरह से धीरे धीरे रिकॉर्ड करिए और फिर स्टॉप कर लीजिए जो भी आपने शूट किया है। उसके बाद सूर्य की रोशनी आ रही है, इसको स्टार्ट कर लीजिए। इस तरह से कैमरों को रखिए सन के ऊपर और धीरे से ऐसे रोटेट करिए धीरे धीरे, तो बड़ा अच्छा ये वीडियो रिकॉर्ड होगा। जंगल भी हैं और धूप छन छन के आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ। उसके बाद हैंड से ही पकड़ सकते हैं, ट्राइपॉड से ही पकड़ सकते हैं। इस तरह से धीरे से चलते हुए इधर इधर आगे की तरफ बढ़ते हुए इधर का इस तरफ से वीडियो शूट कर सकते हैं। फिर इसको स्टॉप करने के बाद इधर का शूट करना हो इधर में ऑन कर दीजिए, फिर इधर का धीरे से इस तरह से शूट करते चलिए। तो इस तरह से स्लो मोशन जो पिक्चर बनाना हो अच्छी क्वालिटी का, तो इस तरह से वीडियो शूट कर सकते हैं, जो ज़्यादा एक अच्छा लुक देता है वीडियो के, आपके टोटल क्वालिटी के ऊपर। काफ़ी आसान है, काफ़ी सिंपल टिप्स है, काफ़ी सिंपल तरीका है ये सब वीडियो शूट करने का, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। और जैसे धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस होंगे, वीडियो शूट करते रहेंगे, नई नई चीज़ें आप सीखते रहेंगे, तो उसके बाद क्या है, आपको इम्प्रूवमेंट भी तो करना है। तो धीरे धीरे आप खुद ही इम्प्रूव करते रहेंगे, खुद ही आपको आइडिया लग जाएगा कैसे वीडियो शूट करना है, कहाँ शूट करना है, किस लोकेशन में शूट करना है, किस तरह कर सकते हैं। और धीरे धीरे आप जितना ज़्यादा वीडियो शूट करेंगे, एडिट करेंगे, धीरे धीरे आप उतना ज़्यादा ही आपकी परफेक्शन बढ़ते जाएगी। यहाँ पे इस तरह से ये ट्राइपॉड रख देना है, इस तरफ से कैमरा इस तरफ होना चाहिए, इधर से चलते हुए आएंगे, फिर इस तरफ से चलते हुए आना है, इधर क्रॉस कर जाना है, फिर आप इसको स्टॉप कर लीजिए, इसको ऐसे टर्न कर लीजिए और फिर यहाँ से इस तरफ चलते हुए सीधा स्ट्रेट चले जाइए। तो इस तरह से आने और जाने का दोनों तरफ से मोबाइल के द्वारा ही शूट हो जाएगा कम्प्लीटली। और फिर यहाँ से पहुंचकर इसको स्टॉप कर लीजिए और फिर वीडियो आपका शूट हो गया। यदि कैमरे में देखकर बात करना हो तो इस तरह से बात करते हुए जा सकते हैं कैमरे में देखते हुए, और यदि सामने का शूट करना हो आपको उस तरफ का, तो इस तरह से आप टर्न कर लीजिए ट्राइपॉड को और सामने का दिखाते रहिए और फिर बात करते रहिए। तो उसी ट्राइपॉड का फ़ायदा ये होता है कि जस्ट टर्न करिए और सामने का दिखाइए, बात करिए, और फिर आपको खुद देखना हो इस तरह से तो अपने फेस पे कर लीजिए कैमरा और बात करते हुए फिर चलते जाइए। तो ये सिंपल टिप्स था जिसे आप मतलब मोबाइल से आसानी से वीडियो शूट कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल में एक फंक्शन का होना ज़्यादा अहमियत रखता है। यदि वाइड एंगल आपका कैमरा हो मोबाइल फ़ोन का, तो मेरे फ़ोन का जो सबसे ज़्यादा वाइड एंगल है 0.6x है, किसी हिस्से में 0.5x भी रहता है, वो ज़्यादा वाइड होता है। 1x रहेगा तो सीधे चेहरे पे जूम होगा, और 0.56 है तो थोड़ा दूर दिखाई दे रहा है, तो पीछे का भी है ना बैकग्राउंड ज़्यादा वाइड दिखाई देता है, खुला दिखाई देता है। तो GoPro का यही फ़ायदा होता है, वो बहुत वाइड एंगल कैमरा है, वो काफ़ी नज़दीक से भी शूट करेंगे तो पूरा वाइड, पीछे ऊपर नीचे सब जगह वो
अच्छा वो दिखाई देता है। तो वाइड एंगल कैमरा हो 0.6x या 0.5x जिस भी कंपनी का हो तो उसको इस्तेमाल करें। तो इस तरह से जैसे मैं आप सामने देखकर बात कर रहा हूँ इस तरह से वीडियो शूट करेंगे तो आसानी से शूट किया जा सकता है। ठीक ठाक बड़ा जंगल है, काफ़ी बड़ा जंगल भी नहीं है लेकिन फिर भी ये 2 किलोमीटर के रेडियस में आसपास ये फैला हुआ है। तो लोग यहाँ पर आते हैं, गांव वाले ज़्यादातर चुनते हैं, घास कलेक्ट करते हैं यहाँ पर जलावन के लिए, और कुछ लोग बाहर से भी आ रखे हैं इधर, विदेशी लोग, और इधर ये सब कलेक्ट करके जलावन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सामने से उस तरफ चलने वाला रास्ता है, पैदल चल के जा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे घास कलेक्ट करते हैं, मतलब जो पत्ते नीचे, ये सब ऊपर के पत्ते नीचे झड़ के सूख जाते हैं तो उनका यहाँ पे इकट्ठा करके वो घर ले आते हैं। सामने है वो रास्ता जो कनेक्ट करता है ओल्ड मनाली को, सीधे चले जाएंगे माल रोड की तरफ। तो ये पगडंडी जैसा रास्ता बना, ये चले आता है माल रोड की तरफ, और ये वाला रास्ता फिर जिधर से मैं आया था ये चले जाता है ओल्ड मनाली की तरफ। तो कैमरे के पीछे से शूट करते हुए इस तरह भी बोलते हुए वीडियो शूट कर सकते हैं। और दूसरे नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बताऊंगा मोबाइल से ही आप कौन सा ऐप यूज करेंगे वीडियो एडिट करने के लिए, जिसमें लोगो भी नहीं आएगा, उसका कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। प्ले स्टोर पे फ्री में वो ऐप अवेलेबल है, बहुत अच्छा ऐप है, सिंपल टू यूज़ है, और मैं उसी ऐप का इस्तेमाल कर रहा हूँ शुरू से। मुझे भी उस ऐप के बारे में पता नहीं था तो मैं भी स्टार्टिंग में वीडियो देखते देखते, ध्रुव राठी यूट्यूब चैनल है, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने बताया था इस ऐप के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में उस ऐप के बारे में बताऊँगा कैसे आप आसानी से एडिट कर सकते हैं, वॉइस ओवर करना उसमें वॉइस भी देना हो तो कैसे दे सकते हैं, और बहुत सारे उसमें फंक्शन है उस ऐप में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हाउ टू शूट वीडियो बाय मोबाइल फ़ोन वेरी इजीली। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर से कर लें इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए।